नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी और जननायक जनता पार्टी एक साथ एक मंच पर आने की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किलें अब और भी ज्यादा गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में शेंदमारी करके भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज नेत्री किरण चौधरी को तो शामिल कर लिया, लेकिन भिवानी जिले से कई ऐसे बीजेपी के पदाधिकारी हैं जो यहां पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि आगामी वक्त में यहाँ पर बीजेपी संगठन के कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले हैं, और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ सियासी तख्तापलट हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा में इस वक्त विधानसभा में सीट को लेकर के ये गहमा गहमी चल रही है कि आखिरकार नायब सिंह सैनी के पास बहुमत पेश करने के लिए तमाम उन विधायकों का संख्याबल मौजूद नहीं है जिनकी उन्हें आवश्यकता है, यानी कि 45 विधायकों की आवश्यकता यहां पर नायब सैनी को है, लेकिन विधानसभा में सिर्फ 43 विधायकों का समर्थन उनके पास है। ऐसे में क्या नायब सिंह सैनी सरकार को बचा पाएंगे, क्योंकि आगामी 90 दिनों में तो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव ही होने वाले हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में नायब सिंह सैनी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। नायब सिंह सैनी ही हरियाणा में अब मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जाट वोट बैंक को पीछे छोड़ करके 35 बिरादरी के वोट बैंक पर यहां अपनी नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री के पद पर कहीं ना कहीं ऐलान करना यह दर्शाता है कि ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही है। और ऐसे में आगामी वक्त में नायब सिंह सैनी क्या हरियाणा की राजनीति में बीजेपी को उतनी मजबूती से चुनाव लड़ा पाएंगे, बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जाट वोट बैंक की नाराजगी क्या भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ती हुई नजर आएगी। दुष्यंत सिंह चौटाला ने साफ संकेत देते हुए कह दिया है कि यदि कांग्रेस पार्टी उनके साथ चुनाव लड़ना चाहती है तो वह न सिर्फ हरियाणा में बल्कि राज्यसभा की सीट पर भी संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से किरण चौधरी के गढ़ में यहां पर सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि भिवानी जिले के यहां पदाधिकारियों का पार्टी छोड़ना मतलब किरण चौधरी की राजनीतिक और यहाँ पर नैतिकता वाली हार मानी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।